At times, the two tigers, becoming dangerous, believe that the storm is over and take to their games again. But Talum will not give up. Assalamualaikum guys, good morning, welcome back to my channel ब्लॉग फॉर MW। और आप लोग सब कैसे अच्छे हो? अलहमदिल्ला लोग भी अच्छे हो। और अभी बज रहे 4:14, मेरा ये हो गया नमाज पढ़ के हो गया ताड़ा तहज्जुद की नमाज पढ़ के हो गया। और अभी ये सो रही है, बैठ बैठ के नमाज पढ़ रही है, सो रही नमाज पढ़ ली। अभी लेके आई शायरी, शायरी करने का। आज घर में तीनों जने रोजा रखेंगे, मैं मेरा लड़का लड़की तीनों जन। अरे ये बानिया ने इग्नोर करने का, उसका पापा का ऐसा लगा कर रखा ना, उसके लिए उठ रहे। और आज है 23वां रोजा, सबको 23वां रोजा बहुत बहुत मुबारक। और मेरे लिए आज 22वां रोजा। तो चलिए फटाफट खा लूँ, ये कर लूँ, शायरी कर लूँ, उसको भी खिलाना पड़ेगा लड़का को। लड़की नमाज पढ़ रही है, मेरा हो गया वो पढ़ रही थी, कर चले। अब देखते रहिए पूरा दिन क्या कर रहे क्या नहीं। शायरी 2 तारीख तक देखिए नमाज पढ़ रही, बैठे बैठे ढोल रही है, नमाज पढ़ रही हो गया इसकी नमाज। अभी भी बाकी है 4 रकात। और इधर है महाश है, पूरी बिस्तर की हालत देख लीजिए क्या है। कल कूलर निकले तो पूरी बिस्तर ऐसा बिगड़ा हुआ। अरे माँ से इधर बैठा है, इसको खाना खिला के देना पड़ेगा। और खाना किधर है देखकर वो देखे, ये देखिए ये है मच्छी चावल, कुपा मच्छी चावल, ये बांगड़ा फ्राई 2 पीस है, एक मेरा बेटा खा लेंगे। अरे देख लें, तो चलिए फटाफट साइड कर लें, इसको खिला के देना पड़ेगा। हाथ जाएगा क्या देख ले, हाथ जाएगा कि उसका मुंह तक। चलिए मिक्स कर ले इसका मुंह, तो तुम पैर नीचे कर लो आ जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग का रोजा रख के हो गया। अभी मैं भाजी काट के लूँ हस्बैंड का डब्बे के लिए, भाजी काट के भाजी बैठा के फिर जाके मैं नमाज पढ़ूँ। अभी फजर की नमाज पढ़ने का है, रोजा रख ली, अभी नमाज पढ़ेंगे, फिर आटा गूंथेंगे, रोटी बनाएंगे, फिर जाके सोएंगे। फिर भी नहीं सोती रोटी वोटी बना के, रोटी बना के मैं जाके कुड़न पक पड़ती बैठे बैठे, फिर जाके सोती कुड़न पक पड़ के फिर सो जाती, फिर उठती 10:30-11 बजे।
पानी के लिए उठना पड़ता है। अगर पानी रात को आता था ना 8 बजे तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं था, मस्त तो उठने का लेट, फिर उठ के अपना काम करने का, दिन भर खान जो करने का फिर ये पानी के लिए उठना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा ये हो जाता है। तो चलिए बाद में मिल रही हूँ आप लोग से। और आज उनका डब्बे में देंगे तुड़ाई की भाजी, उनको तुड़ाई, दिल का, भिंडी, करेला, दूधी, यही सब पसंद है, वही सब जास्ती लेके जाता है, दूसरा कुछ नहीं। और कभी कभार राई बटाटा या टमाटर बटाटा बस, और उसका अलावा कुछ नहीं, मसाला वाला चीज़ तो कुछ भी नहीं लेते। तो चले फिर मिल लो आप लोग से थोड़ी देर बाद। इधर बनाई जा रहा है कस्टर्ड, कस्टर्ड के लिए दूध गर्म बैठाई हो के आए, देखिए पड़ा रहा है दूध, इसमें से मेरे को थोड़ा दूध लेने का। कस्टर्ड पाउडर घुलने के लिए दूध ले चलेगा, इसे डाल दी। ये होते रहे, पानी आ गया पानी भरने। देखिए कूलर की हालत क्या किया ये बच्चे ने, ये नाम काम कर रहे काम, वो उसका पापा का काम अभी ये करने लग गया, ये उसका पापा बन गया आजकल। ये घूम रहा ही नहीं था, घूमने वाला जो है ना ये खड़ा, ये अटक गया था, नहीं घूम रहा था। कल हम लोग चालू करके सोई तो ये घूम रहा ही नहीं था, ऐसा एक ही जगह में था। और ये हमारा ये मास है ना, ये घुलमुल, ये सब काम इसको आता, सब काम। अब 11 साल का उम्र से उसको हर एक काम आता है, उसको कौन सा काम नहीं आता है वही सोच रही हूँ। तो हर काम करके खा सकता है बाबा, ये समझा बाबा, तू कभी भूखा नहीं रहेगा, ना तेरा फैमिली को तू भूखा रखेगा, तू बराबर काम करके खिलाएगा उन लोग को। और मेरी हालत देखी, मैं अभी जा रहा हूँ खाना बनाने का, देख लूँ क्या भाजी है फ्रिज में, वो निकालू भाजी बना। पहले मैं ना कस्टर्ड का फूट वूट काट के कस्टर्ड को ये कर रखी बना लूँ, कस्टर्ड का पूरा हो गया, खाली फूट काट के डालने का, दूध को ठंडा करके कस्टर्ड का फूट डालने का, मिक्स करके उसको फ्रीजर में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा ये तक, 1 तारीख तक आज कस्टर्ड बने। और मेरा बेटा हर एक काम उसको ऊपर वाला ने ऐसा बना के दिमाग दे के भेजा ना, क्या बोलने का। ऊपर वाला को हमेशा शुक्रिया करती है, उसको उसका पापा का जैसा उसको दिमाग नहीं दिया, उसका पापा से भी 2 गुना गए दिमाग। जो काम उसका पापा को नहीं आता है, नहीं समझ में आएगा, वो काम वो करेगा, मोबाइल का काम से लेके अभी देखिए वो कल से बंद हो गया था, नहीं चल रहा था, उसका पापा कितना चिलम चिली कर रहा था, आके ही चिलम चिली चालू हो गए, कुछ देखेगा नहीं कुछ नहीं, चालू हो जाता चिलम चिली, वो करने गया उसको भी चिल्ला रहा, मत कर ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। अभी वो नहीं है, वो खोल खाल के उसको बैठ गया, उसको ठीक भी कर दिया, हो भी गया, अभी वो लगा रहा है फिट कर रहा है, वो खुद ही खोला खुद ही फिट कर रहा है ऐसा है। और लड़की गई है कंप्यूटर क्लासेस, मेरा आँखें भी सूजा सूजा लग रहा है क्योंकि मैं अब भी थोड़ी देर पहले सोके उठी, 12:15 बजे सोके उठी, सोई 7:30 बजे के बाद, 12:15 बजे उठी सो गए ऐसा, क्योंकि रात को सोते सोते 1:30 बज जाता है, 1:30 बजे सो तो फिर देर ही पकड़ लीजिए रोज का। डेढ़ बजे उठी सो के, 1:30 बजे सोने गई, अब 1:30 बजे सोने जाओ, फिर सुबह 3:30 बजे उठो, खाली कितना 2 घंटे का ही नींद मिलती है।
तो नींद नहीं आएंगे। फिर सुबह 3:30 बजे से जो जागती हूँ 7:30 बजे तक, समझ जाइए, फिर उसके बाद सोती हूँ। ऐसा है मेरा, अभी नींद इतना कम हो गया। फिर शाम को जैसे ये हो जाता है ना, इफ्तारी हो जाता है, उसके बाद बहुत नींद आती है मेरे को, तो बहुत ये करना पड़ता है। ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए, ए बाबा ये देख, क्या था टाकी में पानी आया क्या? उस टाकी में अभी तक पानी नहीं आया क्या, मैंने आया कि नहीं देखने के। यही चल रहा है, चलिए। और खाना क्या बना रही देख लूँ पहले, मैं ये तो कर लूँ। इफ्तारी का भी करने का है, उसके लिए दाल भिगा के रखी, दाल का पकौड़ा बना दूँ और देख लूँ क्या बना। तू दूसरा अरे कुछ तो बनाना पड़ेगा, एक ही चीज़ से तो नहीं होगा और कस्टर्ड रहेगा, यही सब रहेगा, यही सब से ये करेंगे। और चावल नहीं बनाएंगे अभी, आया अभी से भाजी बना लेंगे। अगर करेला बटाटा फ्राई की तो दाल बना लेंगे और करेला बटाटा फ्राई कर लेंगे। अगर दूसरा कुछ भाजी बनाए तो करेला बटाटा फ्राई नहीं करना पड़ेगा, दाल नहीं बनाना पड़ेगा, वो भाजी से हो जाएगा। देख लूँ क्या करें, फिर वो हिसाब से सब करेंगे। तो चलिए मिल लूँ, मैं फूड काट लूँ। फूड में क्या क्या ली देखा लूँ, फूड में ली देखिए, केला, अंगूर, इसका अंदर है थोड़ा सी अनार और एप्पल, दो केला ली। इधर है अनार अरे एप्पल, बस यही डालेंगे। आम रहता था ना, यही देख, आम रहता तो आम डालती थी, आम नहीं है अभी घर पे, उसका पापा आम लेके नहीं आया, इतने में मैं अभी काम चलाओ कर लेंगे। आम लेके नहीं आया तो क्या करूँ अभी, इससे कस्टर्ड बना लूँ। आम रहता था ना तो बहुत टेस्टी बनता था। तो चलिए मैं काट कुट के बना लूँ, फिर मिल लूँ। चलिए गए सब काट के ली, देखा दे रू अंगूर, ये थोड़ा सी एक चिड़ी आम था उसको भी डाल दी बारीक बारीक काट के। इस दरे काजू, केला, एप्पल और इधर है अंगूर, अनार, सब एक साथ में तो डाल। ये हो गया फूड, कितना, 1, 2, 3, 4, 5 अरे मिला के 6। तो चलिए ये सब बॉयल, ये सब डाल दूँ, डाल के भिगा दूँ, हो जाएगा फिर भाजी। ये गाइस इसमें सब डाल दी फूड, ये ठंडा हो गया, इसमें थोड़ा वनीला एसेंस मिला था थोड़ा सी, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना, इसके लिए थोड़ा ये मिला दी, ठंडा होने के बाद मिला है। अब इसको फ्रीजर में रख दूँ, क्या मस्त लग रहा है ना, पिंक कलर। चलिए इसको फ्रिज में रख दूँ, ठंडा होए फिर खाना बैठा दूँ। अभी सागा हो चाहे कुछ भी हो, अभी लगाया जा रहा है झाड़ू। क्या करता है कुछ समझ में, उधर से फेंक, तो करने देना। ये रुझारा कितनी गुस्सा करती है, कोई उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए ना तू। अरे उन लोग का आदत ही है, बहुत गंदी आदत है। बनाने वाले चने का दाल, बॉयल करके लिए चने का दाल, दूधी डाल के बनाने वाले, इधर दूधी है और इधर सब है। चलेगा इस, तेल गर्म हो गया, डाल दी तेज पत्ता, थोड़ा सी डालेंगे जीरा, जीरा नहीं है खत्म, देखिए
डाल देंगे कांदा, कड़ी पत्ता, कांदा सब साथ में। कड़ी पत्ता खाली तेल के ऊपर डालने जाएंगे ना चरंग करके उठते, इसके लिए मैं साथ में डालती हूँ जैसे वो उड़े ना। कुछ तो बनाना पड़ेगा भाजी, इसके लिए एक ही बार में शॉर्ट फॉर्म में काम कर रही हूँ। दाल दूधी बना देंगे, हो जाएगा। चलिए इसमें डाल देंगे टमाटर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट, और सब मसाला मिक्स करके भी लेके उसको ही घोल के डाल देंगे। सब मसाला मिक्स किया हुआ अदरक लहसुन सब इसमें, गाइस अदरक लहसुन, हरा मिर्ची वो तो पेस्ट है, और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सी नमक डाली क्योंकि मैं दाल में भी नमक डाल के बॉयल की, इसके लिए मैं इसमें नमक कम डाली। और रोजे में तो नमक चेक नहीं कर सकती ना अपन, इसके लिए मैं थोड़ा अभी नमक कम डाल के कम इस्तेमाल करूँ। लगता है तो मैं रात को फिर डाल लेती हूँ, जब रात को गर्म करने का रहता है ना खाना, तब मैं डाल के गरम कर ले ऐसा। तो चलिए मसाला होने दीजिए। चलिए हो गया, इसमें डाल देंगे अभी दूधी। मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही भाजी बनाती, अभी उतना भाजी नहीं बनाती पहला जैसा, क्योंकि अभी खाली एक ही टाइम तो सब कोई खाता है। चने का दाल का चलते ना मेरा टाइम बहुत चला गया, कितना देर तक वो बॉयल ही पकने में ही टाइम लिया। चले अभी इसमें डाल देंगे चने का दाल, कोतुम्बी। अगर आप लोग को चाहिए तो इसमें आप लोग गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, गरम मसाला का पाउडर, बस मेरा हो गया। चने का दाल बैठ गए, ढाक के बैठा दूँ, बस ये पक के। ये देखो महान व्यक्ति, कौन है ये लोग? विट्ठल वारी साटे, और कौन है ये? ये है मुमताज शेख, ये विट्ठल वारी साटे। क्या हो रहा? ये व्लॉगिंग एक्सपोजिंग। अरे चेहरा चुपा के क्या फायदा, शरीर तो पूरा दिख रहे थे। अरे कूलर लगा रही क्या? नहीं कूलर नहीं लगा सकता, नहीं तो ये दोनों बंद हो जाएंगे। तो मम्मी सो रहे और मैं भी सो रहा हूँ, तो सबको सो लेते, उसके बाद मिलते जब तक ले। हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहा है 5:30 हो गया, मैं आई इफ्तारी बना निकले, हो जाएगा। मैं आप भी बना दूँ क्योंकि थोड़ा खुले तक थोड़ा गर्म थोड़ा अच्छा रहता है, एकदम ठंडा हो जाएगा ना तो मज़ा नहीं आता। इसके लिए मैं आज बनाएंगे दाल की पकौड़ा और बटाटा चीज़ बॉल बनाएंगे। तो चलिए देखते रहिए कैसा क्या कर रहे। चीज़ बॉल आज पहली बार बना रही, अरे ये तो पहला बना ही। तो चलिए तेल बैठा ही गर्म करने के लिए, तेल गर्म है और उन लोग सोया है, कूलर लगा के दिए तो सोया है दोनों जन कूलर के नीचे। चलिए देख,
आज वाइट भजिया बनेगा। इसमें खाली नमक डाली और अदरक लहसुन कूटा हुआ और कांदा और कोतम्बी, पहले देखो तेल गर्म हुआ कि नहीं। हो क्या है भाजिया बैठा भी देख के फिर मैं ये करूँ। इसको बैठा देने का, ये होता रहेगा, मैं जब तक दूसरा चीज करके लेंगी। चलो सब डाल दो। चलेगा इसे पकौड़ा को क्या है, इधर बटाटा साफ कर ली, उसको मैक्स करने का। एक इतना हो गया और इतना ये भी हो गया है, ये उठा लो। चलेगा इस, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन, थोड़ा सी हरा मिर्ची कूट के रखी थी एक, वो डालेंगे। और डालेंगे कांदा, चॉप करके रखी थी कांदा। इसमें अभी कोतम्बी डालेंगे, पहले डाल दो थोड़ा सी काला मिर्च की पाउडर। नमक स्वाद अनुसार, पास चिली फेस नहीं है बोलकर मैं थोड़ा मिर्ची पाउडर इस्तेमाल कर लेंगे, चिली फेस बनाना पड़ेगा। कोतम्बी थोड़ा सी मिर्ची पाउडर बस। अभी इसको अच्छा से मैं मिक्स कर लूँ पहला, फिर बता रहूँ कैसा क्या बना। चलो चलेगा सीधा ले ली चीज़, यामल चीज़ है, क्यूब वाला चीज़ था, उसको काट कट के मैंने ऐसा छोटा 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 करके ली। और इधर बटाटा जो मैश करके रखी सब डाल के, अभी इसको रोल हाथ में ये करूँ और वो डाल डाल के बना। तो चले देखो ऐसा थोड़ा थोड़ा सा बटाटा लेंगे, ये सब गोल कर लेंगे पहला। इसको इसमें कितना मर्जी उतना डालेंगे तो चीज। चीज़ डाल के अच्छे से इसे गोल कर देंगे जैसे हमारा चीज़ बाहर ना आए। ये हो गया, इतना तक हुआ, अभी इसका आगे भी बाकी है वो जाके। गाइस देखिए एकदम लो में करके रखी, थोड़ा मीडियम कर दो गैस जैसे ये हो जाए। ये देखिए फर्स्ट टाइम बना रही, क्या मालूम कैसा बनेगा। धड़कन धड़क 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 कर रहे, ज़्यादा हिला भी नहीं सकते क्योंकि फूटे ना जाते। तो चलिए पहले देख लीजिए क्या हालत है। इधर इधर चीज़, इधर वो मैदा का पेस्ट, मैदा गुला, इधर ये बना रही है मैडम साहिबा हमारा। इधर बन गया चीज़ बॉल, कौन सा चीज़ बॉल बना मेरे को भी नहीं मालूम, आप लोग बताने का। हर इधर बन रहे थे, ये पहली टाइम का ख़राब हो गया था, ये ख़राब हो गया फिर बाद में अच्छा बना। और इधर है हमारा पकौड़ा, ये दाल की भजिया देख लीजिए। तो गाइस आज का इफ्तारी है केला, अनार जो फूट थली, केला, अनार, चीकू जो हम लोग के घर पे कोई नहीं खाता स्पेशल, मैं तो बिल्कुल नहीं, खजूर इम्पोर्टेंट चीज़, कलिंगर मेरा दिल से भी प्यारा, अंगूर, एप्पल, पेड़, चीज़ बॉल दिल से भी ज़्यादा प्यारा, कस्टर्ड,
जो पता नहीं तीन बाटी में क्यों निकल रहा है, मैं तो खाता नहीं शरबत। ये तीन पानी के बोतल तीनों के नाम पे होती है, और ये है चीज बॉल, और वो है दाल भजिया, और वहाँ पे चीज बॉल जो थोड़ा बहुत खराब हो गया उसमें से एक मेरे नाम पे हो गया, और ये है टमाटो सॉस, और वो है मस्टर्ड सॉस। ये हमारा पूरा दस्तरखाने सज गया, तो जल्दी जल्दी दुआ पड़ो। अल्लाह हमें चम्मच नहीं लाए, बबल चम्मच ले दो ये सब फूड कस्टर्ड शरबत ये दाल पकौड़ा और चीज बॉल, बस आ जाइए हमारा। कैसा बना? बढ़िया। इसको जो पसंद आता है वो ही खाता है, उसका पहला कुछ नहीं। हाँ अच्छा बढ़िया बढ़िया, बाप का जैसा सीखा क्या? नहीं मिला ना, ये अलग है क्या? नहीं मिला। हाय गाइस, मैं आ गई वीडियो ख़त्म करने के लिए, आज बहुत लेट वीडियो ख़त्म कर रही क्योंकि और क्या बोलने का, कुछ बोलने के लिए वास्ता ही नहीं। ऐसा जिंदगी का मोड़ कभी कभी ऐसी जगह पे आ जाता है ना जिधर सब सोच समझ बंद हो जाता है, ऐसा है। ऐसा है हम लोग रोजा खोलने बैठे इफ्तारी को, रोजा खोल रहे थे और बंद करो, तो रोजा खोलने के लिए बैठे इफ्तारी को, और इफ्तारी का टाइम पे आया मेरा हस्बैंड। इफ्तारी से बहुत लेट आए थे, इफ्तारी से मतलब रोजा खोल के हो गया था हम लोग को, रोजा खोल के हो गया था, फूट उठ खा रहे थे हम, ये कर इफ्तारी कर रहे थे बैठ के, तभी आए आके धमाका दे दिया, आया मुँह चुपचाप आया अंदर घुसा, सालम सालम उलम के अंदर आया, दोस्त से बात करते करते इधर आया, इधर बैठा मेरा लड़का आया पीछे से, आके देखा तो रो रहा है, मेरे को जाके बोलते मम्मी पापा रो रहा है, मैंने बोले क्यों, बोलते मालूम नहीं पापा रो रहा है, तो मैं आई भाग भाग के आके इफ्तारी छोड़ के ही आ गई, वैसी की वैसी छोड़ के आ गई, तीनों आ गए, लड़का का तो हो गया था, हम दोनों वैसे ही छोड़ के आए, आके देखी तो हाँ रो रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है रो रहा है, फिर मैंने पूछी क्या हुआ, तो बोलता है ऐसा ऐसा उधर जिधर काम करता है उधर एक आदमी है, वो अभी उसका पर इंचार्ज बन गया, उधर का इंचार्ज बना है, इसका दोस्त ने पूरा जिम्मेदारी उसका ऊपर छोड़ दिया, ऐसा है उसको दे दिया पूरा जिम्मेदारी, तो वो क्या कर रहा है अभी उसको जिम्मेदारी दे दिया, तो वो अभी इसका पीछे लग रहा है, इसको निकालने के लिए काम से हकालने के लिए, तो इसके लिए इसका ही पीछे दिन रात पड़ा है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ ये कर रहा है, तो ऐसा कर रहा है, तो इसको मैदान में एक मैदान में डाल दिया काम के लिए, तो ये उधर काम करता है, तो इसको किडनी का इन्फेक्शन है, तो ये बोलने का खाली बोला इतना ही जे ओ गोदरी लेके जाओ उसका पहले देख, खाली बोलने में बोला जब मेरे को किडनी का इन्फेक्शन है मैं धूप में काम नहीं करेंगे, उतना धूप में काम नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को ज़रा छाव में काम देने के लिए, बोले छाव में काम दो मैं उतना धूप में काम नहीं कर पाएंगे, तो वो जाके सबको भड़काया उल्टा सीधा, क्या बोला क्या मालूम वो आदमी जाके एक दूसरा सेट को ले ऐसे ऐसे, वो सेट आके इसको बोलता है तेरे को कल से छुट्टी लेके बैठ जा, चार दिन हाँ चार पाँच दिन छुट्टी लेके घर पे बैठ जा, आने का ज़रूरत नहीं अभी,
चार पांच दिन तब जब तबीयत खराब है तो आने की जरूरत नहीं, छुट्टी ले गए घर मेरा बाद में। ऐसे बाद में इसका जो दोस्त जिसने काम दिया उसको बोला, वो भी सेट है, उसको फिर ये किया फोन के बोला ऐसे ऐसे, फिर वो सबको भड़का रहा है ऐसा, उसको निकल दे काम से, टाका सेट को उठा काम से निकल दे ऐसा वैसे जो मुँह में आ रहा है वो बोल बोल के भड़का रहा है। तो ये लेके उसको ये हो गया, टेंशन हो गया जो मेरे को निकाल देंगे काम से, मैं क्या करूँ क्या नहीं, कैसे चलेगा, मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ, उन लोग बेईमानीगिरी से काम कर रहा, बेईमानी से फिर भी उन लोग का उधर पहाड़ है, सबको उन लोग को पूछते मैं ईमानदारी से कर रही बोल कर मेरे को निकाल दे रहे। तो मैंने बोली देखो क्या होता है, जो होएगा होएगा, अभी क्या करने का कुछ कर नहीं सकते। तो फिर उसका जो दोस्त बोला मैं बाद में बताएंगे ऐसे, फिर अभी बताया क्या मालूम क्या होता है, कल से काम पे जाने का है लेकिन क्या होएगा समझ में नहीं आएंगे, नहीं आ रहे। आप लोग भी प्लीज़ ज़रा दुआ कीजिए हम लोग के लिए, जाते नौकरी उसका ना छूटे, छूट जाएगा तो बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर मुसीबत आ जाएंगे। एक तो ये ऊपर से भाड़ा भी भरने का, भाड़ा नहीं दे पा रहे वो भी ये कर रहे, ऐसे भाड़ा देने का है तो पागड़ ही नहीं मिला अभी तक, अभी पागड़ बोल रहे मंडे को देंगे, काट कूट के आएंगे कितना काटता है। एक बार 10,000 लिया था तो इसके लिए, जब काम नहीं करता था तभी 10,000 लिया था तो इसके लिए वो 10,000 काट के देंगे, कितना क्या देंगे समझ में नहीं आ रहा, क्या होएंगे वो भी मालूम। आप लोग प्लीज़ ऊपर वाला से दुआ कीजिए, आप लोग का भगवान से दुआ कीजिए, जाते हम लोग उसका पापा का ये नौकरी बच जाए, ना छूटे ना आए, इतना ही चाहती हूँ। तो इसके लिए आप लोग से भी मैं बात नहीं कर पाई, बहुत टेंशन हो रहा था मेरे को। तो मगरिब का नमाज वमाज पढ़ी तभी भी मैं बहुत रोई, ऊपर वाला के पास बहुत रोई, सुना ही ऊपर वाला को जैसा कि हो गया। फिर तहज्जुद की पढ़ी, ईसा का भी पढ़ी, तहज्जुद की पढ़ी, सब पढ़ सॉरी ईसा की पढ़ी, तरावी की पढ़ी, ये सब पढ़ के हो गया। अभी कितना बज रहा है उन्हें, 1:15 होते जा रहे, अभी जा रही हूँ सोने के लिए, वीडियो एडिटिंग में बैठा दूँ एडिट करके फिर सो जाओ, सुबह फिर उठने का मेरे को 3:30। तो आप लोग दुआ कीजिए जाते उसको काम मिल जाए, काम जाते ना जाए, बहुत मुसीबत है, बहुत दिक्कत है। इसके लिए आप लोग से बात ही नहीं कर पाई मैं शाम से, अभी जाके बात करूँ, छोड़ जता के लेकर नहीं मैं करूँ, इसके लिए अभी जाके आप लोग से बात कर रही हूँ। अभी वो सो रहा है, बोली सो जाओ तुम, सो रहा है अभी, क्या क्या आप लोग प्लीज जितना हो पेयर कीजिए जाते काम ना जाए, जैसा है वैसे चले। तो चलिए फिर कल मिल रही हूँ आप लोग का साथ, आज के लिए वीडियो इतना ही, और हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, उसके लिए पैसा नहीं लगता। तो चल कल मिलेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शिवराती शिवडी, और हैप्पी न्यू डे, और दुआ में याद रखना, और हम लोग के लिए दुआ कीजिए, और जितना हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को जाते दूसरे को भी, ये जब मुस्लिम होने का क्या क्या ये होता है, जब मुस्लिम है बोल के इसके लिए ज़्यादा सबको परेशान करते, ये निकालना ही चाहते काम से, किधर भी जा रहा है मुस्लिम का चलते निकल जा रहा है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत ये होता है। और उसका उम्र हो गया तो क्या, वो तो काम करके खा रहा है ना, क्या भीख मांग के खा रहा है तुम लोग, फिर भी ऐसे। तो चलिए कल मिलेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और प्लीज़ आप लोग स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिए तो ही समझ में आएंगे हम लोग का वीडियो, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, क्या करती हूँ क्या नहीं सब। तो चलिए कल मिलेंगे, दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज़।